अब हम देखते हैं दो पेज के साथ मश्क। हमजा जबर आ, हा जबर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहदुन, कौफ जबर क़ा, मीम जबर मा, कौमा, रा दो पेश रुन, कौमारुन, फा जबर फा, मीम दो पेश मुन, फमुन, इसको फामुन नहीं पढ़ेंगे, आधी आवाज़ है टक्की, फमुन, कौफ जबर दाल क़द, रा दो पेश रुन, क़द रुन, दाल कलकला के साथ, दौ जबर रा गौर, बा दो पेश बुन, गौर बुन, या जबर या, दाल दो पेश दुन, यदुन, फा जबर फा, मीम दो पेश मुन, फमुन, अब इसके साथ हा है, फा जबर हा फा, मीम दो पेश मुन, फाह मुन, कौफ जबर क़ा, रा दो पेश रुन, क़रुन, मीम जबर मा, रा जबर रा, मारा, द्वाद दो पेश दुन, मारा दुन, ऐन पेश मीम उन, या दो पेश युन, उन युन, रा जबर जीम रज, ऐन दो पेश उन, रज उन, जीम कलकला इसको हिलाएंगे, रा जबर रा, हा जेर या, ही पूरे या की आवाज़ बनेगी, रही मीम दो पिशमुन, रहीमुन, रा जबर रा, जीम पिशजू, रजु, लाम दो पिशलुन, रजुलुन, कौफ जबर क़ा, लाम जेर या ली, अली, लाम दो पिशलुन, अलीलुन, अब यहाँ देखो, वाव जबर या वई, लाम दो पिशलुन, वई लुन, ये वावलिन कहलाएगा, ठीक है, कौफ पेश दाल कुद, रा जबर रा, कुद रा, ता दो पिशतुन, कुद रतुन, कुद रतुन, दबर द्वा, रा जबर रा, द्वारा, ब दो पिशबुन, द्वारा बुन, इसको दारा बुन नहीं पढ़ेंगे, दारा बुन दाल से होता है, या द्वारा बुन, हमजा जेर खा इख, वाओ जबर वा, इख वा, ता दो पिशतुन, इख वतुन, वाओ को पूरी आवाज़ से नहीं, आधी आवाज़ से, इख वतुन, हमजा जबर आ, बा दो पिशबुन, अबुन, इसको बच्चे आबुन पढ़ जाते हैं, आबुन नहीं है क्योंकि आधी आवाज़ है जबर की, टक्की आवाज, अबुन, हमजा जबर आ, खा दो पिशखुन, अखुन, आखुन नहीं पढ़ेंगे, अखुन, हा जबर हा, मीम दो पिशमुन, हमुन, ऐन जबर आ, लाम जेर या ली, अली, मद बनाएंगे जेर के साथ यह है, मीम दो पिशमुन, अलीमुन, अलीमुन, खा जबर खा, बा जेर या बी, खबी, रा दो पिशरुन, खबीरुन, खबीरुन, गैन जबर गा, फा पेश वाव फू, गफू, रा दो पिशरुन, गफूरुन, गफूरुन नहीं, पेश के साथ वाव, इसको मत बना के
پڑھیں گے پورے واو کی آواز بنے گی، غفورن غفورن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قرآن کو سیکھیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ وما علی الا البلاغ۔ والسلام۔